या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 780, रिकॉर्डेड बाय मेहंदी मोमिन एट शुगरलैंड टेक्सास। वाइज मिशनरी जमात कनेक्ट। अली मदद बिंदारो, लगभग पौने दो बरस के बाद मैं आपको खिदमत में आया और इस दफा मेरी वालदा का आगाज निजारे से होता है। मुझे चार ने फरमाया कि रूहानी सब्जेक्ट के ऊपर वर्ष की जाए, जो मुझे खुद को बहुत पसंद आया। इस्लामी मजहब जो है वो रूहानियत पर है, तो मैं आपको आज और कल इंशाल्लाह इस्लामी मजहब के नजरिए से रूहानियत क्या है उसको मैं आपको वाज सुनाऊंगा। दुनिया का लगाते हैं फिर सूंघते हैं, लेकिन इसका कभी मतलब समझे? हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वो लोग थे जो रसूल से बड़ा प्यार करते थे, जब वो नबी के साथ आते थे नबी हुजूर से, तो नबी के पांव को वो अपनी आंखों से लगाते थे और चूमते थे, इसी तरह से हाथों को। रसूल अकरम के जमाने से ये आदत चली आई कि लोग नबी के हाथ पांव को आंखों से लगाते थे, चूमते थे। आज हम इस्माइली उस चीज की यादगार के अंदर 1400 साल से इस प्रैक्टिस के शामिल हैं। हम कायम हैं इस प्रैक्टिस के ऊपर कि जब भी हमारे इमाम का, हमारे पीरों का,
नबियों का जब नाम आता है तो हम अपने हाथ को पेशानी तक आंखों के दरमियान ले जाते हैं। ये उस चीज की एक निशान रही है कि हम सब झुकाते हैं और बाद में हम होंठों को लगा के हाथ पांव को चूमने की निशानी करते हैं। सभी दारो हमारे मजहब की जितनी भी बातें हैं, हर एक चीज के अंदर, हर एक एक्शन के अंदर, हर एक अमल के अंदर हमें कुछ न कुछ चीज मिलती है। ये एक मोहब्बत के इजहार का तरीका है। इमाम की हुजूर में, नबियों के हुजूर में, पीरों के हुजूर में, मिडल ईस्ट के अंदर जो घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनका भी वो हाथ चूमते हैं, किस करते हैं, हाथों को लगाते हैं। ये एक इज्जत और मोहब्बत का इजहार है। रूहानियत हमारे इस्माइली मजहब की जो है ये इस्लाम का मर्ज है। इस्लाम ने सबसे पहले शरीयत का जाहिर किया। शरीयत को जाहिर करने के बाद वो लोग कि जिनके दिल नरम थे, जिनके दिल खुदा की मोहब्बत से सरशार थे, जिनके दिलों में कुछ और चीजों के वलवले थे कि या नबी नमाज और रोजे के बगैर तो इस्लाम नहीं, मगर या नबी इसके अलावा कुछ और है, तो नबी कहते थे हाँ। अपने असहाबों में से चुन चुन के, देख देख के रसूल अकरम उनको हिदायत करते थे। हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी, हजरत अम्मार बिन यासर, हजरत सुलेमान अल फारसी, हजरत साद बिन अबी वक़ास, अबुल फ़ता कंबर, हजरत बिलाल बिन रिहा, ये वो लोग थे रसूल के असहाबों में से जो न सिर्फ मुसलमान थे बल्कि मोमन थे, इससे अलावा आबिद थे। रसूलुल्लाह ने उनको तरीकत सिखाई, जिक्र सिखाया, उनके साथ दरवाजे बंद करके बंद कमरों के अंदर बैठा करते थे और उनके साथ वो बातें करते थे कि जो आम मुसलमानों के साथ नहीं करते थे। नबी इनको तैयार करते थे उस बात के लिए कि जो इस्लाम का खास मकसद है और वो है बातूनी तरक्की। नबी की आंखें बंद होने के बाद आम मुसलमान जो थे वो दुनियादारी के अंदर पड़ गए और इस इस्लाम के मकसद को कि जो इस्माइलियों ने सीने में दबा रखा उनको वो याद ना आया। वो लोग जो मौला अली की गुलामी में थे, जो मौला अली की मुरीदी में थे, जो मौला अली के फरमान पे अमल करने वाले थे, उनके पास वो चीज रही और नस्ल ब नस्ल, सिलसिला दर सिलसिला मौला अली से लेके शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि तक मौजूद चला आया। अलबत्ता दीनदारों कुछ कुछ ऐसे लोग मुसलमानों के अंदर से निकले जिन्होंने खुद अपने ख्याल से, अपनी थिंकिंग से यह सोचा और कदम उठाया कि नहीं, पंच वक्त का नमाज और रोजे के अलावा कुछ और भी है जो हमें करना चाहिए। इन लोगों को बहुत से नाम दिए गए। शुरू शुरू में इनका नाम था जुहाद, जो परहेजगार थे, गोशे में बैठ के इबादत करते थे। बाद में कुछ वक्त गुजर गया तो इनका नाम आबिदीन पड़ गया। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम के जमाने के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये लोग जाकिरीन में आ गए। तो जुहाद थे, आबिद थे, जाकिरीन थे और अब बाकी खिलाफत के जमाने में सूफियाओं का नाम जाहिर हुआ, सूफिया कराम आए। लेकिन सूफियों का जो तरीका था वो हजरत रसूल अकरम के जमाने में भी था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी था
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، ہر زمانے کے اندر، ہر نبی کے زمانے کے اندر لوگوں کے درمیان ایسے لوگ بھی تھے کہ جو عام شریعت کے علاوہ کچھ اور دیکھنا چاہتے تھے یا کچھ اور کرنا چاہتے تھے. ان لوگوں کا گروپ ہمیشہ عوام سے جدا رہا، اور اسی گروپ کو زمانے کے حساب سے الگ الگ نام دیے گئے. خود نبی عیسیٰ 12 سال کی عمر میں گھر چھوڑ کے چلے گئے. کہاں گئے؟ آپ کا کوئی کرسچن پادری دوست ہو گئے، اس کو پوچھو کہ 12 سال کی عمر سے لے کے 30 برس تک یہ 18 برس نبی عیسیٰ نے کہاں گزارے؟ آپ کو دنیا کا کوئی بھی کرسچن اس کا جواب نہیں دے گا. یہاں تک کہ پوپ کے پاس چلے جاؤ گے تو وہ بھی خاموش رہے گا، حالانکہ انہیں معلوم ہے مگر جواب نہیں دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام تمام نبیوں کی شریعت اور تمام نبیوں کی طریقت کے حساب سے وہ بھی گھر چھوڑ کے ایک غار میں یا جنگل میں ان صوفیوں کے ساتھ جا ملے کہ جن صوفیوں کو اس زمانے کے اندر ایسمیز کہتے تھے، وہ صوفی تھے. انہی صوفیوں میں سے 4 یاروں کا ذکر اللہ نے اصحاب کہف کے طور پہ کیا ہے قرآن پاک میں. اللہ فرماتا ہے چند لوگوں نے، اللہ نے 4 کا نام یا 6 جن کا نام آتا ہے. یہ 4 دوست تھے، ہر روز اپنی عبادت بندگی علاوہ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ستسنگ کرتے تھے. ستسنگ کیا ہے؟ کہ مل کے بیٹھ کے خدا کا ذکر کرنا. اذکرونی اذکرکم، تم اگر میرا ذکر کرو گے، اللہ فرماتا ہے، تو میں تمہارا ذکر کروں گا. ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو. ذالک ذکر للذاکرین، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، میں ان کو یاد دہانی دلاتا ہوں، اللہ فرماتا ہے، کہ جو مجھے یاد کرنے والے ہیں. نبی عیسیٰ ان لوگوں کے ساتھ جا ملے. تو اس طرح سے یہ 4 اصحاب کہف تھے، ہر روز شام کے وقت اپنی موجودہ عبادت کے علاوہ بیٹھ کے خدا کو یاد کرتے. ان کو ایسا ہوا کہ دنیا کے جھمیلے ہماری ان چیزوں کے راہ میں آتے ہیں، حائل ہوتے ہیں. گھر بار چھوڑ کے یہ لوگ چلے گئے. ان 4 میں سے ایک شخص کا کتا تھا، وہ اپنے مالک کے ساتھ گیا. شہر سے باہر دور انہوں نے ایک غار ڈھونڈی. غار ڈھونڈنے کا مطلب اور کچھ نہ تھا، ایسی جگہ چاہیے تھی کہ جہاں کوئی جانور یا انسان ان کو آ کے دخل اندازی نہ کرے، تو یہ نچنت ہو کے خدا کی یاد کرے. وہاں جا کے 4 بیٹھ گئے. اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، باتوں چیتوں میں. شروع شروع میں تو ایسا تھا کہ ان میں سے ایک آدمی جاتا تھا شہر، کھانے پینے کی چیزیں لے آتا تھا. آہستہ آہستہ بھوک کم ہوتی گئی، اللہ کے ذکر کا پیار بڑھتا گیا. جہاں یہ بات ہوئی کہ ہر روز ایک وقت کھانا کھایا، اس کی جگہ 2 دن میں ایک دفعہ کھانے لگے. آہستہ آہستہ یہ بات بنی کہ 2-2، 3-3 دن تک یہ مراقبے عبادت میں بیٹھے ہوتے تھے اور کھانا پڑا رہتا تھا. آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ایک دن ایسی بات بنی کہ کھانا پڑا رہا اور یہ لوگ اللہ کی عبادت میں اس طرح سے جم کے بیٹھے کہ بیٹھے بیٹھے ان کی روحیں نکل گئی. ان کا کتا بھی اسی طرح سے پڑے پڑے مر گیا. ہوا کے زور سے مٹی، ریتی، درختوں کے پتے آہستہ 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 ان پہ گرتے گئے اور یہ ان تمام چیزوں کے اندر بند ہو گئے. پڑھو قرآن پاک، سورہ کہف پڑھو اور اس کی تفسیر دیکھو.
अल्लाह ने फरमाया मेरे ऐसे चंद प्यारे थे जिन्होंने ये तय किया कि हमें अल्लाह की याद में बसर करना है। फरमाया अल्लाह ने कि वो जन्नत में गए, उनका कुत्ता भी उनके साथ गया। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो दिनदारों हम इस्माइलियों का ईमान आम मुसलमानों जैसा नहीं, हम मुसलमान जरूर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह की कसम हमारे पास सबसे ज्यादा अच्छा इस्लाम है, हम सबसे ज्यादा पक्के मुसलमान हैं। कुरान पाक हमारे मौला के घर में उतरा, हजरत अबू बकर और हजरत उमर के घर में कुरान नहीं उतरा, कुरान तो अली नबी के घर उतरा, ये शाह करीम के दादा और नाना के घर में उतरा। हमारा कुरान पे जितना हक है सारी दुनिया में किसी का हक नहीं, कुरान तो हमारे सीनों के अंदर बैठा है, हमने सीनों से लगाया नहीं मगर कुरान तो हमारे सीनों के अंदर पड़ा है। हमारे मजहब के अंदर जो कुरान की तालीम है वो दुनिया में किसी मुसलमान के अंदर नहीं। आज वो वक्त नहीं, आज वो टॉपिक भी नहीं, मैं बार बार कहा करता हूं लेकिन अफसोस मेरा यही रहा कि मैं इतनी लंबी मुसाफरी एक ही जगह पे नहीं कर सकता कयाम कि महीना दो महीने एक जगह रहूं और एक एक डिटेल की मैं आपको वाजे सुनाऊं, ये थार सुपरा, ये नांगी, ये नियाज, ये घटपाट, ये सतारा, ये तस्बीहां, जो कुछ सिलसिला है इसमें कोई हिंदुइज्म नहीं, ये तमाम की तमाम रसूलुल्लाह के जमाने से चली आती है। हमारे मजहब की एक एक रीत रस्म, एक एक बात जो हम जमात खानों के अंदर करते हैं वो इस्लाम है और रसूलुल्लाह के जमाने से चली आती है, हमने नबी से सीखा है। नादी जो लफ्ज है वो अरबी लफ्ज है, निदा से निकला हुआ है। तो आज तो मैं इन चीजों को टच नहीं करता, मैं आपको सिर्फ रूहानियत की साइड दिखा रहा हूं। रसूल अकरम को हम जन्म से पैदाइश से नबी मानते हैं, हम आम अपने मुसलमान भाइयों की तरह इस एतकाद और अकीदे के नहीं हैं कि नबी को 40 बरस की उम्र में नबूवत मिली, वो तो पैदाइश से नबी था, पैदा होते ही। हम तो फिर सदर दिन ने ऐसा कहा, हम कोई फलाने मौलवी की लिखी हुई किताब पर एतबार नहीं करते, या हम किसी मुल्ला की लिखी हुई हिस्ट्री के ऊपर एतबार नहीं करते, हमको तो जिसने दीन दिखाया है और वो दीन दिखाने वाला खुद आले रसूल है, फिर सदर दीन आले रसूल है, फिर शम्मस आले रसूल है, फिर हसन कबीर दीन आले रसूल है, और हमारे इमामों की फैमिली में से थे, फिर कभी भी इमाम की फैमिली के बाहर नहीं हो सकता। तो जो आले रसूल है क्या वो हमको कोई दूसरा मजहब सिखाएगा? आले रसूल ने हमको कहा, यानी कि फिर सदर दीन ने हमें फरमाया, ओ जीरे भाई रे सत सरगना कहीं खुले हमको पीरों ने यह कहा कि जिस दिन रसूलुल्लाह ने दुनिया के अंदर जाहिरी बदन अख्तियार किया, जन्नत के सातों के सातों दरवाजे खुल गए, बख्शिश दी गई, तो वो रसूल अकरम
हमको सिखाने के लिए, हमारे लिए एक सबक, एक मिसाल कायम करने के लिए खुद भी इस तरह से चले, ऐसी जिंदगी गुजारी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है वो हमारे लिए एक मिसाल है और एक मशाल है। मशाल कहते हैं टॉर्च को। नबी साहब भी जब भी वक्त मिलता किसी कोने में बैठ के खुदा को याद करते, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज बढ़ती गई बढ़ती गई। आखिर आपने ये देखा कि मक्का के अंदर रह के घरों के कोने में खलल अंदाजी होती है, बाहर निकले 3 मील पे इनको हिरा नाम की एक गार नजर आ गई, रसूलुल्लाह उस गार में चले गए, कपड़े से साफ करके नबी बैठ गए। ये वो हिरा की गार है कि जिस गार में से रोशनी फूटी। 2 गारें एक सूर की एक हिरा की, दोनों मशहूर हैं, एक नदी के बैठने की और एक छुपने की। नबी इन पहाड़ों पे जाके क्या करते थे? इबादत करते। पूछा, या नबी आप किस तरह इबादत करते थे? फरमाया खुदा को याद करते। या नबी किस तरह याद करते थे? फरमाया बस मैं यूं इस तरह से अल्लाह से बातें करता था जैसे अल्लाह मेरे सामने मौजूद है और मैं इसके सामने मौजूद हूं। हजरत बीबी खदीजा तुल्कुबरा पहले पहले इनको गुलाम के हाथ से खाना भिजवाती थी। शुरू में तो यूं था कि नबी सुबह चले जाते थे, दोपहर को चले आते थे खाने के लिए, फिर घर से चले जाते थे। फिर तो ऐसा हुआ कि घर आना बंद किया तो भी खदीजा खाना भेजती रही। आहिस्ता आहिस्ता ऐसा भी होता रहा कि दूसरे दिन नबी घर आए तो वो खाना वापस ले आए, या दूसरे तीसरे दिन गुलाम खाना लेके गया तो 2 दिन का बासी खाना वापस ले आया। आहिस्ता आहिस्ता ये बात हो गई कि हफ्ता तक खाना पड़ा रहता था। आखिर के अंदर 40 बरस की उम्र कंप्लीट होने लगी, नबूवत का इजहार का वक्त जब मौजूद आया तो रसूल अकरम ने 30 दिन तक न खाना खाया न नींद की। मैंने आपको ये दीबाचों के तौर पे ये बातें इसलिए बताई कि मोमिनों रूहानियत, ये रूहानियत नहीं याली याली की शक्ति से तस्वीर की, सजदा किया घर चले गए और सारा दिन फिर दुनिया की मस्तियों में पड़े रहे। इसलिए मैंने आपको पाक सुनाया कि हसन कबीर जी का कि दुनिया की खातिर जिसने दीन को छोड़ दिया उस मूर्ख नादान की जिंदगी बेफायदा है। वो ये समझता नहीं कि उसने न सिर्फ ये कि जन्नत का मेवा घुमाया बल्कि मौला का दीदार भी गुमा दिया। अच्छा, अब बात रही दुनिया और दीन की, रूहानियत सीखनी है हमें हमारे दिल के अंदर। जब तक के वैराग पैदा नहीं होगा, वैराग कहते हैं दुनिया से दिल का उठ जाना। दुनिया के अंदर हमारे दिल में जो दुनिया की मोहब्बत है, बीवी की मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत, पैसे की मोहब्बत, तन बदन की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत, यारों दोस्तों की मोहब्बत, मोहब्बत वालों की मोहब्बत, दुनिया के हिसाब से दुनिया में जितने भी रूप है मोहब्बत के, ये तमाम चीजों में हमारा दिल फंसा हुआ है। इस दिल को उन चीजों से छुड़ाना, इसको कहते हैं वैराग। और जब वो छूट जाता है, दिल अलग हो जाता है, तो उसको कहते हैं त्याग। जब तक के इंसान के दिल में दुनिया से दिल के उठ जाने का ख्याल नहीं पैदा होता, रूहानियत उसके दिल में कहां घुसेगी? रूहानियत को डालने के लिए दिल में जगह बनानी चाहिए,
दिल एक छोटी सी दुनिया है, अगर हमने दुनिया की चीजों से उसको भर दिया हुआ है तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए उसमें जगह करनी पड़ेगी, और अल्लाह की मोहब्बत के लिए जगह करने के लिए उसमें से कुछ थोड़ा मवाद निकालना पड़ेगा, नहीं तो अल्लाह की मोहब्बत अंदर नहीं जा सकेगी क्योंकि वो भर चुका है। आपने एक प्याली में चाय डाली, अब दूध डालना है, लेकिन आपने तो चाय से ही प्याली भर डाली, अब दूध कहाँ डालेंगे? तो दूध डालने के लिए 5-7 चमचे चाय के निकाल डालो ताकि जगह हो जाए, तो आप उसमें दूध शामिल करो। दिनदारो, दुनिया की मोहब्बत को दिल से पहले निकालना चाहिए। तीनों ने हमें कई कई तरीकों से इन बातों को कहा के ना छोरू ने के ना कमाल किया पीरों ने। पीरों के जो गिनाने उनके लफ्जों को, उनकी बंदश को, उनके बनावट को पढ़ो समझो, मन को भंवरा कह दिया। भंवरा कौन होता है? जो एक फूल से उड़के दूसरे फूल पे जाए। इंसान का मन भंवरे की तरह है, कभी वो सख्त गरीब होता है, कैसे या मौला थोड़ा सा पैसा दे दे। कभी मौला ने ऐसा कर दिया कि बिल्कुल खाक था और उसको 25-50 हजार रुपया दे दिया, तो अब दिल कहता है या मौला 50 कर दे। अच्छा 50 कर दिया तो कहते या मौला 100,000 बना डाल। दिल भंवरे की तरह है, इसका कभी भी मन भरता नहीं। उसकी मोहब्बत बच्चों पे, बीवी पे, माँ बाप पे, यारों दोस्तों पे, कपड़े लत्ते पे, मोटर पे, बंगले पे, ऐश आराम पे, दुनिया में कितनी चीजें हैं, दिल लगाने की कितनी चीजें हैं। और इन चीजों के अंदर बाज ऐसी चीजें भी हैं कि हम चीजों की खातिर, मटेरियल चीजों की खातिर, जो 200-500 के 5-10 हजार में मिल भी सकती हैं, हम लोगों से लड़ाइयां ले लेते हैं। चीजों की खातिर हम डर पड़ते हैं क्योंकि हमारे दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत कूट कूट कर भरी है। कहना छोरू ने कहना वाचू, ये बेटे बेटियां किसके हैं? तुम्हारे? मरोगे तो तुम्हारे साथ जाएंगे पीर कहते हैं। मौलाना शाह करीम सलवातुल्लाह अलैह बैतुल ख्याल के एक दफा फरमानों के अंदर फरमाते हैं, याद रखो तुम्हारी माल दौलत, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारी मोटर, तुम्हारा बंगला, तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, तुम्हारे साथ तुम्हारी नेकी बदियां जाएंगी। अंत काले जगू जीव ने एक चलो सबसे पुण्य ने पा। अगर मौला मुश्किल कुशा मुर्तजा अलैहि सलाम रात को, आधी रात को बैठ के आप फरमाया करते थे, दुनिया दूर हो जा मुझसे, मैंने तुझे 3 सलातें दी। नहजुल बलागा पढ़ी? नहजुल बलागा मौला मुर्तजा अली की किताब है,
उसके तर्जुमे इंग्लिश में, गुजराती में, उर्दू में, फारसी में, हर जर्मनी के अंदर तर्जुमा हो चुका है उसका। पढ़ो किताब पढ़ो मोमिनो, ये घरों में टीवी लग के बैठे हो, टीवी साथ नहीं आएगी, ये कब्र में पहुंच भी नहीं सकेगी। मगर नहजुल बलागा गिनान फरमान पड़े होंगे तो वो फरिश्ते रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे साथ हैं। ये सिनेमा टीवियों से किसी किसी वक्त हमें कोई खबरें मिलती हैं, ठीक है, हमारी जनरल नॉलेज बढ़ती है, लेकिन ये हमारी जिंदगी के कुछ मकासद नहीं। मौला फरमाया है दुनिया दूर हो जा, मैंने तुझे तीन तलाकें दे दी, तेरे साथ मेरा अब कभी निभाव नहीं हो सकता। क्यों लफ्ज चाहे तीन तलाकों के? इस्लाम में है कि अगर किसी मर्द ने औरत को तीन तलाकें दे दी तो फिर उस औरत को मुआफी देने पर भी, और वो औरत मुआफी भी मांगे तो भी उस मर्द से उसकी शादी नहीं हो सकती, वो उसके लिए हराम हो गई। हाँ अल्लाह से वो किसी और मर्द से शादी करके उससे तलाक लेके फिर इसके घर में शायद आवे, तो ये सब कभी कभी बनता है ऐसा। तो मौला मुतज़ाली फरमाया कि मैंने तुझे तीन तलाकें दी, मतलब ये कि अब तू वापस मेरे दिल में नहीं, कि अब तू वापस मेरे दिल में नहीं आ सकती। दुनिया घर मातम का जिसे देखो सो रोता है, जार गफलत का धक्का कानों से काढ़ो तो सुनो कैसी पड़ी है पुकार। मौला अली का कलाम। दुनिया में कोई ऐसा होगा दिनदारों, कोई मुश्किल से ऐसा होगा कि जिसे कोई गम नहीं, जिसे कोई दुख नहीं। हर एक इंसान को जो यहां हम बैठे हैं वो भी, और जो यहां नहीं बैठे मगर सारी दुनिया के अंदर 4.5 बिलियन लोग जो बैठे हैं, सबको कुछ न कुछ रंज है, कुछ न कुछ गम है, कुछ न कुछ उदासी है, कुछ न कुछ फिक्र है। एक फिक्र पूरी होती तो दूसरी खड़ी हो जाती। मौलाना सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, अगर तुम्हारी पांच में से एक यानी 20% तुम्हारी मुरादें अगर पूरी होती हैं तो दुनिया में तुम खुश नसीब इंसान। ऐसे तो खुश नसीब इंसान थोड़े हैं, कुछ ना कुछ गम लगा है। तो ये सारी दुनिया मातम का घर है। मौला अली फरमाया इस दुनिया से मोहब्बत मत मांगो। मौलाना आगा अली इस्लामाबाद सल्लल्लाहु अलैहि वाली के जमात खाने के बाहर बहुत दफा सुबह के वक्त जमात खाने से जब लोग निकलते थे तो इधर दीदार के लिए आते थे तो सरकार नीचे उतर के फरमान फरमाया करते थे। हाजी वाली के कंपाउंड में वो हॉल पड़ा है, गोल हॉल है, जहां बीच में फवारा था। मेरे दादा अपनी आंखों से देख चुके, उन्होंने लिखा है अपनी किताब में कि रात के 2 बजे मौलाना अली इस्लामाबाद जब पीरी जौने में थे, हसन अली इस्लामाबाद के जमाने से, रात को 2 बजे बंगले से नीचे उतर के इस हौज में खड़े हो जाते थे, कमर कमर तक पानी होता था। अली इस्लामाबाद फिर सलामत अली इस्लामाबाद 5 बजे तक इस हौज में खड़े रहते, आंखें बंद होती थी और सरकार के हाथ में तस्बीह होती थी। हर रोज ऐसा फरमाते थे, जब इमाम बन गए तो ये चीज छोड़ दी। मगर ये हुआ तो रोज सामने ही करीब जमात खाना था, सुबह लोग नमाज पढ़ के जब दुआ पढ़ के अपनी इबादत बंदगी करके इधर नीचे आ जाते थे, इसी हौज के किनारे पे जमा होते थे, खड़े रहते थे।
जब दिन उगता था तो मौलाना आयशा या मौलाना शासन अली, और इसके बाद खुद इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की भी यह आदत थी, जमात को आके दीदार देते थे। एक दिन अली शाह माँ बाप नीचे आए, ऊपर नजर की, तीन परिंदे उड़ रहे थे। जमात को कहा, है जमात ये देखो ऊपर। जमात ने ऊपर देखा, तीन परिंदे उड़ते थे। फरमाया, वो जो आगे परिंदा है वो मेरा मोमिन है, मिसाल मेरे मोमिन की है, और उसके पीछे जो भाग रहा है वो दुनिया है, और जो सबसे आखिर में है वो दुनियादार है। मौलाना अली का फरमाया, मेरे मोमिन के पीछे दुनिया भागती है, मेरा मोमिन दुनिया के हाथ में नहीं आता, लेकिन दुनियादार दुनिया के पीछे भाग रहा है तो दुनिया उसके हाथ में नहीं आती। मेरा मोमिन तो भागता है, मौला की खातिर भागता है। तेज न समीम ने पास तेरा वजो जी, तेज न समीम ने पास तेरा वजो जी, पकड़ ले जो मारो हाथ दासी छूते। या मौला, उस दिन के जिस दिन का मुझे डर है, सैया जी मोरे डर लागो एक दिन को, सोरे घड़ी पल को, सैया जी मोरे डर लागो एक दिन को। उस दिन जिस दिन का मुझे डर है, मेरा हाथ पकड़ लेना मेरे मौला। हजरत इमाम सरकार साहबुल अमर, हजरत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंदन में आए, हमारे एतमादी कासिम अली साहब ने आपको जरूर जरूर कुछ बातें की होंगी, फिर भी बाज ऐसी बातें रह जाती हैं, और कभी ना भी रहे तो रिपीट करने में मौका सर पर हरकत नहीं। मौलाना हजर इमाम ने फरमान करते करते फरमान किया, फरमाया, इस्लाम के अंदर ये अकीदा है कि एक दिन हमारा हिसाब किताब किया जाएगा। सला फरमाया, यू विल बी जज्ड वन डे, बस उस दिन का है। ते दिन सामी मर अपने नजदीक रखना, पास तेरा नजदीक बुला लेना, और सैया जी मोहे डर लागो एक दिन का, केणी पेरे साहेब लेखा लेते, खालक गुनाह बख्शते, एक दिन आराम से दरवाजा बंद करके बैठ जाओ, जिंदा रहो बैठ जाओ, आंख बंद करो और सोचो मैं कहां पैदा हुआ, बचपन से अपनी जिंदगी को रिपीट करो, सोचो। कभी 40 बरस की उम्र हो गई कि 20 बरस की हुई कि 60 बरस की हुई, आप इसमें सोचो अपनी जिंदगी को, किस किस के साथ दगा किया, किस किस के साथ परहेज किया, किस किस के साथ जुल्म किया, कितने कितने झूठ बोले, कितनी कितनी बदियां की, कितने गुनाह किए, याद करो। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं, मैंने आपको जो ये बात कही ना कि एक जगह बैठ जाओ, वो ये फरमान पढ़ते करता हूं। मौला फरमाया, एक कांच में बैठो, रोज नहीं बैठ सकते, वक्त नहीं मिलता, तो वीक में एक दिन बैठो, अथवा ये हफ्ते में एक दिन बैठो,
मगर फरमाया हफ्ते में एक दिन नहीं बनता तो महीने में एक दिन जरूर एकांत में बैठ के अपनी जिंदगी के लिए सोचा करो कि मेरी जिंदगी में गुनाह कितने हैं और नेकियां कितनी हैं। सोचो उसको। मरना है रे जरूर जुग माँ है ये दिन चालू। मरना है, ये तो हक है ना कि कोई हाथ खड़ा करे कि मिशनरी साहब मुझे कभी नहीं मरना है। कोई ऐसा काफर को पूछो जो खुदा को नहीं मानता कि तुझे मरना है, तो कहेगा हाँ मरना तो है। खुदा ने मौत को हक कहा, मरना तो है ही, इसलिए फिर फरमाया युग में चेती में चालो, समझते चलो, चाहे तो किसी पर जुल्म करना। रूहानियत की जो आगाज है वो ये है, रूहानियत का आगाज तस्बीहां नहीं, रूहानियत का आगाज बैतुल ख्याल का बोल नहीं, रूहानियत का आगाज तो पहले अपने दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत जो भरी पड़ी है और मौला की मोहब्बत या नेकियां जाने के लिए सुई भर जगह बाकी नहीं रही, पहले अपने दिल को खाली करो, ये है रूहानियत का आगाज। वैराग पैदा करो, वैराग पैदा करो। रसूल अकरम जैसे कि जिसको दुनिया के अंदर किसी शय की भी अगर ख्वाहिश होती, उसने तो सारी दुनिया बनाई, ये दुनिया रसूल अकरम के नूर से बनी, अना मिन नूरुल्लाह व कुल्लुहुम मिन नूरी, हर शय नबी फरमाए मेरे नूर से बनी। उसे कौन सी चीज का डर या खौफ था? रसूल अकरम, उनकी ऐसे चाहे 9 बीबियां थी, हर एक बीवी के पास एक एक रूम था। रसूल अकरम हर रोज बारी बारी एक एक बीवी के रूम में जाते थे, उसके अंदर कोई भी दुनियादारी नहीं थी। जिंदारो 53 बरस की उम्र में 12-13 साल की और बाद रिवायतों से 9 साल की बीवी आयशा कुमारी थी, उसके साथ शादी की। नहीं तो हजरत सलमा के साथ शादी हुई तो लगभग 73 बरस की थी। खुद बीबी खदीजा के साथ जब शादी की तो 25 बरस के कुंवारे थी और वो 2 बरस विधवा बेवा हो चुकी थी। तो नबी जब बीबियां सो जाने ना, तो नबी रात को उठे, खड़े खड़े हुजूर खुदा के जिक्र में शमूलियत करें। एक दफा गर्मी सख्त थी तो नबी करीम घर छोड़ के बाहर आए, बाहर आके खड़े रहे तो बीबी आयशा खुद लिखती हैं कि रसूल अकरम रात को खड़े होकर इबादत करते थे, यहां तक के सारी सारी रात खड़े रहते थे, पसीने से बदन शराबूर हो जाता था, नीचे की जमीन गीली हो जाती थी, ऐसा लगता था कि किसी ने यहां गुस्से किया है। तो मैंने पूछा, या नबी, आप तो नबी हो, जन्नत और दोजख आपके हाथ में अल्लाह ने दे रखी है, आप इतनी इबादत करते हो? फरमाया हाँ ऐसा, मुझे जन्नत की कोई तलब नहीं, दोजख का कोई डर नहीं, लेकिन मैं खुदा का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहता हूं। हालांकि नबियों इमामों की पीरों की जितनी भी बातें होती हैं वो मिसाल के तौर पे हमारे लिए होती हैं। हम तो लंबी टांग के सोए होते हैं, पहले तो 12-1 बजे तक पत्ते खेलते हैं, सिनेमा जाते हैं, तंबाकू पीते हैं, शराब पीते हैं, गप्पे मारते हैं, भूंदी गंदी गालियां निकालते हैं, लोगों के थपकियां कसते हैं, गीबत करते हैं, बदगोई करते हैं, किसी को याद करके उसकी हंसी उड़ाते हैं, आहा आहा करके खूब हंसते हैं, फिर 2 बजे लाश की तरफ पड़ के सो जाते हैं। सुबह तक कहां खुदा जिसने पैदा किया, कहां वो रोजी रिजक देने वाला जो तुम्हें रोजी देता है, आया कभी याद? इस तरह हमारी जिंदगी बसर हो रही है एक जानवर की तरह,
अब उसके अंदर मैं कहूँ अला मेरा तस्वी निकालो और इमाम कहे कि ये बैतुल ख्याल का बोल ले जाओ, तो रूहानियत कहाँ पैदा होगी? बैठक में क्या मिलेगा? ध्यान कहाँ लगेगा? सुर्ती तो लगेगी नहीं। बैठक में बैठोगे तो दुनिया याद आएगी, किसी को माल दिया वो याद आएगा, किसी से लेना है वो याद आएगा, बीवी की कड़वी बातें याद आएगी, शोहर की बेमुरवती याद आएगी, औलाद की बेमुरवती याद आएगी। अरे लाखों चीजें हैं जो याद आएंगी, लाखों। बजंद नाम का एक बादशाह था, बजंद नाम का, मुझे इस वक्त मिशनरी पीर सबजली याद आ रहे हैं। 50 बरस पहले उनकी ये बात मुझे आज याद आई, इस बात को 50 साल हुए। यकायक मेरी दिमाग की फाइलें खुल गई सबजली मिशनरी के मुंह से सुनी हुई, जो कि बात में मैंने पढ़ी भी है। बजंद बादशाह था, एक दफा सवारी से निकला, एक मरा हुआ ऊंट रस्ते में पड़ा था और दूसरा रास्ता नहीं था, घोड़े पे सवार था। आदमियों को कहा इस ऊंट को उठाओ, उसने कभी मौत देखी नहीं थी, किसी मरे हुए आदमी को देखा ना था, गौतम बुद्ध की तरह। लोगों ने कहा कि सर ये मर गया है, मर गया। हाँ, क्या हुआ मर गया? यानी कि इसके अंदर एक जो आत्मा था वो निकल गया। तो सुबह चाबू के मारी, पांव से मारा, मगर मरा हुआ ऊंचा से उठे। तो लोगों ने, बुजुर्गों ने समझाया कि इंसान के अंदर एक ऐसी चीज है कि जब वो निकल जाती है तो वो इंसान मर जाता है। तेरा बाप था? बजंद ने कहा हाँ। कहाँ गया? पता नहीं, मैं छोटा था। फिर उसको जब ये समझाया गया तो उसने पूछा कि ये सबके साथ होगा? कैसे सबके साथ? मेरे साथ भी होगा? हाँ, तेरे साथ भी। शाही कपड़े उतारे, उठना कभी उठियो। सबजली मिशनरी की वो बोलते थे, वो दोहा मुझे अब याद नहीं रहा, लेकिन उठना कभी उठो, बहु बजायो बजंद जी। वो ऊंट को बहुत उसने मारा तोड़ा, लेकिन उठना सका। फकीरी ले ली, फकीरी ले ली। दुनिया की मोहब्बत जब तक हमारे दिल में बैठी हुई है, सब तरह से खुश झूठी रे दुनिया, तमें कहे भूलो अन छोड़ो ते मन दा दुनिया विच जिन्हें कितना लाया इसे नहीं दूजा तेरा में जिंदा रहो। इमाम की आस के सिवा और कुछ आशा नहीं होनी चाहिए। दुनिया के अंदर अपना चित मत लगाओ। एक फकीर की दुकान और एक नानबाई की दुकान करीब करीब थी। फकीर को जब एक दिन आया ऐसा ख्याल, तो उसने अपनी दुकान नानबाई को दे डाली, चला गया। 20-25 बरस के बाद ढूंढते ढूंढते शहर में आया तो देखा तो वो नानबाई की जो खुद की दुकान थी उससे वो नानबाई बैठा था। हलवा मिठाइयां पकवान रोटी सालन सब तरह की चीजें थी। उसको देख के
बहुत खुश हुआ, बिठाया। बातें करते करते उसने देखा शहद की एक तख्त पड़ी थी, सैकड़ों मक्खियां उस शहद की तख्त के ऊपर पड़ी थी। बहुत सी मक्खियां थी, वो किनारे किनारे थी, और बहुत सी मक्खियां शहद के अंदर थी। बातें करते करते दुनिया की मोहब्बत और आखिरत का जिक्र लाया तो उस फकीर ने दोस्त को कहा, दोस्त देखो ये जो दुनिया है ये तख्त है मद की, शहद की। तमाम लोग इस दुनिया के अंदर आके दुनिया का मजा चखते हैं। जो खुदा के बंदे हैं वो दुनिया के किनारे किनारे पे रहते हैं। ऐसा करके उसने हाथ फिराया तो जो मक्खियां किनारे पे थी सब उड़ गई, मगर जो मक्खियां शहद के अंदर गिरी थी शहद ने उनके पांव पकड़ लिए, उड़ न सके। कहने लगा यही हाल मोमन का है। मोमन इस दुनिया में खुदा की तरफ से भेजा गया है, वो आता है बैठता है अपने फराइज पूरे करता है, लेकिन उसका दिल जो है वो मौला के साथ लगा होता है। जब वक्त आता है उड़ जाता है, सब कुछ छोड़ गया। मगर जो दुनियादार होते हैं तो वो मौत के वक्त भी दुनिया छोड़ नहीं सकते। इसी पर से इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि जिस तरह मुर्गाबी पानी में रहती है तुम इस तरह पानी में यानी दुनिया में रहो कि मुर्गाबी के पर गीले नहीं होते। दुनिया में रहो, तुम्हारा दिल जो है दुनिया से असर पजीर नहीं होना चाहिए। ये जो सब कोई जानो जाल है भाई लोक कुटुंब परिवार, सब कोई जानो, समझ लो इस बात को कि ये जो कुनबा परवरी है, ये लोग हैं, ये यारी दोस्ती है, ये एक किस्म का जाल है, इसके अंदर फंस जाओ। हमें खुदा ने इस दुनिया के अंदर भेजा, यही दुनिया मौत तक जो पसार होती है ये पुल सराफ है। दुनिया बजाते खुद पुल सराफ है, इसमें से पसार होकर मौला पे जाना है उसके हुजूर में। तो जो आशिक होते हैं, जो सूफिया कराम हैं, वो दुनिया में कामकाज करते हैं, खाना पीना खाते हैं, मगर दुनिया की मोहब्बत उनके दिलों में नहीं होती। मेरी आपके सामने यही अर्ज है, इस्माइली मजहब का जो मजाक रखना है जिंदा रहो तो पहले अपने दिल को दुनिया की मोहब्बत से खाली करो। फर्ज पूरे करना, फर्ज पूरे करना, बीवी का फर्ज पूरा करो और बीवियों का फर्ज है कि शोहर का फर्ज पूरा करे, बच्चे का फर्ज है माँ बाप की खिदमत करके उसकी तरफ फर्ज पूरा करे, वालदैन का फर्ज यह है कि औलाद को एजुकेशन देवे, नेक हिदायत देवे और उसको धर्म ईमान और मजहब के ऊपर लगावे, भाई का फर्ज यह है कि भाई को राह रास्त पे लेके आवे। हर एक इंसान के ऊपर खुदा की तरफ से कुछ ना कुछ फर्ज रखा गया, अपना फर्ज पूरा करो। लेकिन लेकिन क्या दिल मोहब्बत मौला के साथ और किसी के साथ है? सतगुरु कह रहे दास हमारा जे होए से के छे हमारा गले ना हार, इन्हें गले ना हार करी राख ते मन के सुख का अंत ना पार रे भाई सुख का अंत न पार। मेरा जो बंदा है मौला फरमाया पीर के मुंह से कि वो मेरे कलेजे के साथ लगा हुआ है और उसके सुख का कोई अंत पार नहीं। मोमन कभी दुनिया में दुखी नहीं होता, गरीबी होवे कि अमीरी होवे। हजरत इमाम फरमाया
کہ تمہارا ایمان، تمہارا مذہب، تمہاری عبادت تمہیں اس درجے پہ پہنچائے گی کہ غریبی کے اندر تم دکھی نہیں ہوگے اور مالداری میں مغرور نہیں بنو گے۔ ستگر کہے جن کلیجے بان لاگو نہتنو، تیری درشتی عمر کے مجائے، تینو پنڈ پھر امرت لو کما، تینی سورتی آکاش جائے رے، تینی سورتی آکاش جائے۔ میرے جو ہیں جن کے دل میں میرا عشق لگ گیا، جن کے دل دنیا کی محبت سے خالی ہو کے میری محبت سے بھر گئے، پھر ان کی نظریں ادھر ادھر نہیں پھرتی، ان کی نظر میں نہ عورت کی خوبصورتی لبھاتی ہے، نہ مال و دولت کی چمک لبھاتی ہے، نہ کرسی کی لالچ پیدا ہوتی ہے، نہ اسے کوئی دنیا کی موہ ہوتی ہے، نہ ممتا۔ وہ مومن کیسا ہوتا ہے؟ آوے تو روزی نہیں تو روزہ، ایسا جان میرے شاہ جی تو دھرنا ہے بھی اللہ۔ آیا تو خدا کی بخشش ملی، صرف کھانے پینے کی بات نہیں، پیسہ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، تندرستی ہے، عزت ہے، آبرو ہے، یہ سب چیزیں خدا کی روزی کی طرح بخشش ہیں۔ مل گیا تو آمین یا اللہ تیرا شکر گزار ہوں، کبھی خدا کی ملتی ہوئی نہیں دیا۔ اچھا تو روزہ ہے، روزہ کیا ہوتا ہے؟ خدا کے خاطر کوئی چیز، یعنی کھانا خوراک ہم چھوڑ دیں خدا کی خاطر، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ تو اگر ہمیں دولت چاہیے اور دولت نہیں ملی تو سمجھنا خدا کی مرضی نہیں تھی، اس میں دلگیر نہیں ہوتا وہ مومن۔ وہ مومن تو یہ ہے کہ اس کی نظر ادھر ادھر نہیں جاتی، دنیا کی مال و دولت اور محبت پہ اس کی نظر نہیں پہنچتی، وہ تو دنیا میں گھومتا پھرتا ہے، پھر فرمایا لیکن اس کے خیال جو ہیں وہ عرش سے ہوتے ہیں، اپنے مولا کے حضور میں ہوتے ہیں۔ اور جب مولا کے ساتھ اس کا یہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو جو دنیا میں بیٹھ کے یار و دوستوں کے اندر مولا کا ذکر کرتا ہے، اور عرش پہ بیٹھ کے خدا فرشتوں کے اندر اپنے دوست کو یاد کرتا ہے، جس طرح ہم دنیا کے مولا کو یاد کرتے ہیں، مولا اپنے فرشتوں کے ساتھ ہمیں یاد کرتا ہے۔ تم مجھے اگر ایک حصہ چاہتے ہو، مولا فرمایا میں تمہیں 20 حصے چاہتا ہوں۔ آخر غلام کا واقعہ یاد کرو، مولانا شاہ حسن علی، مولانا شاہ علی شاہ کے زمانے کے اندر آخر غلام تھا، مشنری تھا، عابد تھا، پرہیزگار تھا، ایک کوٹھڑی میں پڑا رہتا تھا، سلیمان فارسی کی طرح سردی گرمی میں ایک ہی قسم کے کپڑے پہنتا تھا، گرم وولن کے کپڑے پہنتا تھا، پسینہ نکل رہا ہے تو بھی معلوم نہیں، سردی سے بدن ٹھٹھر رہا ہے تو بھی پتہ نہیں۔ آخوند واعظ کرتے تھے، ایک دن درخانہ جماعت میں بمبئی میں آ کے واعظ کی، واعظ کے اندر کہنے لگے کہ جو آدمی نے امام کی بیعت کی ہے، قول و اقرار کیا ہے اور پھر وہ دستمند نہیں دیتا تو روز قیامت تو اس کا آدھا منہ کالا ہوگا۔ کاؤنسلر نہیں تھی مگر امردار تھے، بہت گرم ہوئے، اور ہمیشہ بڑے لوگ دسمند کم دیتے ہیں، مالدار ہی دسمند کم دیتے ہیں، غریب تو بیچارے پوری دیتے ہیں، زیادہ غریبوں میں بھی دسمندی بھی ہیں۔ انہوں نے مل کے اسی وقت میٹنگ بلائی، اس کو بلایا، بہت ڈانٹ ڈپٹ پلائی، یہ تم نے کیا کہا، آج سے تمہارا جمع خانہ بند۔ بیچارہ رونے لگا،
इसका जमा ठिकाना था ना। अलीशा माँ बाप बंबई में नहीं थे, पूना गए थे, गर्द नीची करके अपनी फांसी की सजा सुन के चला आया, रोता रहा, दरखाना सड़क पे है, भवाड़ी में रहता था, तकरीबन दो ढाई मील, दो मील तो है ही। रात को जमात खाने से निकला, मुंह नीचे लिए दो मील रोता रहा। वाड़ी के जमात खाने, वाड़ी तो आप लोगों ने जो देखी है, तो नहीं दोस्त मेरा जमात खाना बंद, जमात खाना बंद है लेकिन अपने घर जाने की क्या मनाई, अपनी कोठरी में जाओ। कहते नहीं, ये सारा कंपाउंड जिसमें जो हाजिर इमाम रहते हैं वो जमात खाना। सारी रात इसी तरह से गुजर गई। जो भी आदमी आवे अखुन को पीर की तरह लोग इज्जत देते थे। अखुन का ये क्या है, कुछ खाना ले आवे, कुछ पानी ले आवे, किसी को हाथ ना लगाया। या मौला मेरा जवाब खाना बंद हो गया। रात गुजर गई, दिन हुआ, सारा दिन निकल गया, लोग खाना पीना लेके आए मगर कुछ नहीं खाया। दूसरी रात इसी तरह से उसी पत्थर पे पसार हो गई, दूसरा दिन पसार हो गया, तीसरी रात आई, फिर तीसरे दिन दोपहर के बाद शाम के करीब दो घोड़े की गाड़ी में सुल्तानुल आरिफीन जमाने का इमाम शाह आगा अली शाह आए। घोड़ा गाड़ी जब नजदीक पहुंची, हुक्म किया खड़ी रखो, निगाह डाली, आखुन तुमने तीन दिन से खाया नहीं, हमने भी तीन दिन से खाया नहीं। आखुन तुम तीन रात से सोए नहीं, वल्ला हम भी तीन रात से सोए नहीं। उसने अभी भी आंख ऊंची करके मौला को नहीं देखा। मौला गाड़ी लेके अंदर चले गए। पूछा क्या बात है, रिपोर्ट मिला के साथ ऐसी बात हुई। मुखी कामरिया अमलदारों को बुलाया गया। मुखी को मौला ने कहा, मैं सिफारिश करता हूं तुम इसको छाटा दो, पांच पैसे। कामरिया हाजी को कहा, हाजी कामरिया हाजी पांच पैसे तुम दो। आप उन गुलाम के पास क्या होता है, गुलाम के पास जो कुछ है वो सब आका का है। मुखी ने छाटा दिया, उसका जमात खाना खोला गया। फरमाया, कल हम जमात खाने में आएंगे। दूसरे दिन सरकार जमात खाने गए, आखुन को साथ ले गए। अली शाह माँ बाप तखत पर बैठे, हे जमात, तुमको आखुन ने ऐसा कहा कि जो दसवन नहीं देता है, हमारी बयत करने के बावजूद उसका कयामत में आधा दिन काला होगा। हाँ सब ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, हाँ सब ऐसा बोलो। वल्ला उसने आधा बोला, पूरा नहीं बोला। ए जमात, आखुन ने जो कहा वो आधा कहा, पूरा नहीं कहा। हम तुमको फरमाते हैं, हमारी बयत करने के बाद जो दस्तवन नहीं देता, वल्ला कयामत के दिन उसका सारा मुंह काला होगा। रूहानियत कहां से आए, दसवंद जो आदमी नहीं देता, इमाम सुल्तान जो उसका फरमाते हैं वो मेरी इमामत का दुश्मन है। अरे इमामत के दुश्मन के दिल में मोहब्बत कहां से आएगी, रूहानियत तो खुदा की मोहब्बत का नाम है। इश्क जो है मौला का, उसी का नाम रूहानियत है। सतगुरु कह रहे इश्क तुम्हारी मां नहीं नी पजे, जो माते हाथ ना बेचाए, इश्क तो हैरा मां है नी
حیروں کوری کھائے رے بھائی حیروں کوری کھائے. مولا کا جو عشق ہے اس کے بغیر تو روحانیت ہے ہی نہیں. اور اگر روحانیت پیدا کرنی ہے تو اب میں آپ کو اتنی لمبی چوڑی تمہید کے بعد میں آپ کو اس کے سٹیجز بتاؤں تاکہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے یہ واضح آ جائے کہ روحانیت میں وقت. سب سے پہلے تو مولا کی جو زمانے کا نور اور مالک ہے بیعت کرنی چاہیے. الحمدللہ ہم نے کی ہے, مگر ایک بات یاد کرو اور 24 گھنٹے جتنا بن سکے اسے یاد کرو کہ بھلا بیعت کا مطلب کیا ہے. بیعت تو کی, بیعت کی ہم نے. بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو میرا مالک ہے, میں تیرا مرید غلام ہوں, تیرا ہر حکمت چاہے وہ دینی ہوئے چاہے دنیاوی ہوئے. میں اسماعیلی مذہب کی بات کرتا ہوں, کسی دوسرے پیر و مرشد کی نہیں. اسماعیلی مذہب میں یہ ہے کہ ہم نے جب امام کی بیعت کی تو اس کا مطلب ہے یا مولا تو دین دنیا کی ہر بات کا مالک ہے, میری جان, میرا مال, میری اولاد, میرے ماں باپ, میرا سب کچھ, جس پہ میں کہتا ہوں کہ یہ میرا ہے وہ سب کچھ تجھ کو سونپتا ہوں. اس کا نام ہے بیعت. سب کچھ اس کو سونپ دینا, اسی کا نام بیعت. جگ فرمانے جاپ شوجی نے لیجے, جگ فرمانے جاپ شوجی نے لیجے, تن من دھن گرن چرن دھری جے, تن من دھن گرن چرن دھری جے, آرتی جے نکلم کتنی. نقلم مین سبحان پاک. مولا کی جو ذات ہے وہ پاک ذات ہے. تو فرمایا کہ تن من دھن سب اس کو دے دینا. سر سو ہمارا یا علی تیرے پاؤں دھاریا تیرے فرساد, یا علی جی والا نپانا. یہ ہے بیعت. سب کچھ مولا کو دے دیا جائے اس کا نام اسماعیلی بیعت ہے. پھر اس کا ہر حکم مانا. اے رسول, اللہ فرماتا ہے جب تک کہ یہ لوگ ہر بابت میں ہر معاملے میں تیرا حکم نہیں مانیں گے تب تلک ان کا ایمان کامل نہیں. فرمانے اللہ کا ہر معاملے میں, ذاتی ہوئے یا غیر ذاتی ہوئے, مال و دولت کا معاملہ ہوئے کہ روحانی معاملہ ہوئے, دینی ہوئے یا دنیاوی ہوئے, ہمارا حاضر امام ہمارا مالک ہے, اسی کو ہم مولا کہتے ہیں. تو پہلا کام یہ ہے بیعت کرو. بیعت کا مطلب آپ کو سمجھایا کہ حاضر امام کا ہر حکم مانا جائے. اب معاملہ صاف ہو گیا, سمپل ہو گیا. مولا نے کہا جھوٹ بولو, کہا ہے پھر کیوں بولنا چاہیے؟ مولا نے کہا حلال کی روزی پیدا کرو, پھر کیوں ادھر ادھر سے 420 کر کے کام کرنا کہ جس سے پیٹ خراب ہوئے, جس سے خون خراب ہوئے, جس سے خیال خراب ہوئے. حضرت امام سلطان محمد شاہ فرمایا نا حق پیسے اور روزی رزق کی کمانی سے اگر تم روٹی کھاؤ گے اور اس کے بعد اولاد پیدا ہوگی تو وہ حرام کی ہوگی. روحانیت کہاں سے آئے گی؟ جس کے پیٹ میں دبے فریب کی روزی گئی ہے, دن داروں اس کو بیت الخیال کا بول کس طرح سے فائدہ دے سکے گا؟
आधी रोटी खाओ मगर सुख की खाओ। गरीब होना गुनाह नहीं, मोहताज होना गुनाह है, और गुनहगार को खुदा मोहताज कर देता है। गरीबी का मतलब ये नहीं कि भीख मांगना। मैं गरीब उसको कहता हूं कि जिसके दिल में कोई बुराई नहीं, उसके पास बहुत पैसा नहीं लेकिन किसी का मोहताज नहीं, मैं उसको गरीब समझता हूं। गरीब होना कोई गुनाह नहीं। आधी रोटी खाओ मगर रूहानी सुख की खाओ। अपनी कमाई को ठीक करो। बेहिसाब लोग पूछते रहते हैं, सारे जहान में घूमता रहता हूं, बेहिसाब लोग पूछते हैं, मिशनरी साहब सुबह बैतुल ख्याल में ध्यान नहीं लगता, क्या कहूं उनको, क्या कहूं? किसी की नजर बद है, किसी के दिल में गुनाह है, किसी के हाथ पांव गुनाह करते हैं, कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई अफीम खाता है, कोई जना करता है, कोई फरेब करता है, कोई धोखाधड़ी करता है, कोई आदमी रख के चोरियां करवा के माल बेचता है। अब मुझे बताओ मोमिनों, कि जिस इंसान के दिल के अंदर बदियां बुराइयां शैतानपन भरा है, उसके दिल में नूर कैसे पैदा होगा, कैसे होगा? बैतुल ख्याल का बोल मौला फरमाया, ऐसा नहीं है कि इधर पानी का जग पड़ा है और तुमने फौरन हाथ मारा और गिलास में पानी डाल के पी लिया, ऐसा बैतुल ख्याल का बोल नहीं। ये तो रास्ता कठिन है, ये तो मुश्किल है। ये पंथ पूरो शूरो कोई कत्यावे नबी मोहम्मद जोवे साचो इलम तीरा शमस भनावे भरम में मत भूलो भाई नमी जालो मरना। ये पंथ, ये इस्माइली मस्जिद का जो बातूनी तरीका है वो बड़ा मुश्किल है। जब ये समझ में नहीं आता तो बहुत से लोग फिर जाते हैं, वो सिर्फ नमाज रोजे में पड़ जाते हैं, शरीयत में पड़ जाते हैं। इस्माइली समझ में नहीं आता जब मजहब, तो ऐसे बहुत से इस्माइली हैं जमात खाने नहीं आते और चले जाते हैं दूसरी जगहों के ऊपर। चलो उनकी तकदीर, उनको ये समझ नहीं आई ना सही। इस्माइली मजहब तो हीरे जवाहर की तरह है, ये तो मोतियों की तरह है। ये मजहब तो नबियों का मजहब है। जिस तरह नबियों ने दुख उठाए, किसी नबी को आरे से चीरा गया, किसी नबी के टुकड़े किए गए, किसी नबी को मच्छी ने निगल लिया, किसी नबी को कहते हैं सूली पे चढ़ा दिया, किसी नबी को गुलाम बनना पड़ा, लुकमान नबी को गुलाम बनना पड़ा। तो नबियों ने कितने दुख उठाए, बदन पे कीड़े पड़ गए। अल्लाह ने फरमाया है अय्यूब, ये कीड़े मेरे मेहमान हैं। आमीन सरकार, है मौला अल्लाह आमीन। उसके बदन से कीड़े जब गिर जाते थे तो पत्ता लेके, सूखा पत्ता उस पर रख के वापस अपने बदन पे फेंक देते थे, अपने बदन पे कि भाई कहाँ जाते हो, मेरा गोश्त तो तुम्हारी मेहमानी के लिए अल्लाह ने बनाया है। जब अय्यूब के सबर को अल्लाह ने जांच लिया तो फरमाया अय्यूब हम तुम पे खुश हैं। ये तमाम नबियों के जो दुख थे उन नबियों के गुनाहों की वजह से नहीं आए थे, बल्कि उन नबियों ने हमारे वास्ते मिसालें कायम की थी। जिस तरह से कि एक टीचर बच्चों को सिखाते सिखाते खुद प्रोनाउंस करता है, उनके साथ जोर जोर से बोलता है, याद करता है, उसका यह मतलब नहीं कि टीचर याद कर रहा है और उसको पता नहीं। नबी तो पाक थे, हर नबी पाक था, तमाम नबी मासूम है, तमाम पीर जो पुखियों के पीर हैं हम उनको भी मासूम मानते हैं, और मौला की जात तो पाक है ही। इन नबियों ने जैसे दुख उठाए
ہمارا مذہب وہ نبیوں کا مذہب ہے. بھلے آج ہم کو ایسے دکھ نہیں مگر کم از کم اتنا تو صحیح کہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں سے نکل جائے. اپنے فرض تو نہیں چھوڑنا. ایک بہت بڑے بزرگ تھے, ان کا نام تھا حسن دمشقی. ایک تو حسن بصری ہیں, یہ حسن دمشقی تھے. ان کی عورت بڑی کڑوی تھی, سخت ظالم تھی, بڑی غصے والی تھی, کبھی کبھی ان کو مارتی تھی. ایک آدمی حسن دمشقی کا نام سن کے, ان کی کرامتیں سن کے, پاؤں سے چل کے بغداد سے آیا دمشق. پوچھتے پوچھتے گھر پہ گیا, دروازہ ٹھوکا, اندر سے وہ ڈائن جیسی عورت اس کی نکلی, کیا ہے؟ وہ تو بیچارہ گھر گیا. کہتے اماں حسن صاحب کا گھر یہ, ہاں یہی ہے. وہ بے وقوف اپنے شوہر کو گالی دے رہی, وہ مردود وہ لکڑیاں کاٹنے گیا, دروازہ سب سے بند کر دیا. اس آدمی کو تو ایسا دھکا لگا, ایسا بزرگ, اتنی اس کی میں نے نام نہ سنی. افسوس کے ساتھ یہ چلا جا رہا تھا, شہر کے باہر سے نکلا, باہر نکل گیا تو دیکھا سامنے سے ایک شیر ببر, اس کے اوپر لکڑیاں لادی ہوئی ہیں اور حضرت حسن دمشقی اس کے ساتھ ساتھ چلے آتے. شیر کو دیکھ کے ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا. جب درخت کے نزدیک آئے, کھڑے ہوئے, حسن دمشقی نے کہا, بھائی باہر نکلو, یہ گدا ہے, گدا شیر نہیں. تو اس نے ذرا سی آنکھ کر کے دیکھا تو شیر تھا. آپ آس کے کہنے لگے, آؤ کوئی فکر مت کرو. وہ آیا باہر, ڈرتے ڈرتے نظر اس کی نگاہ شیر کی طرف, شیر تو منہ نیچے کرے کھڑا تھا. کہتا میرے گھر گئے تھے نا؟ کہتے جی ہاں. اب میری عورت نے تمہیں بہت کوسا ہوگا. کہنے لگا جی ہاں, دیکھو بھیا میں وہ گھر کی شیرنی کی سب دکھ اٹھا لیتا ہوں, تو اللہ نے اس شیر کو میرا غلام بنا رکھا ہے. سمجھے ہو بات کو؟ دنیا کے اندر بھی کسی کو بیوی کا دکھ ہے, کسی کو میاں کا دکھ ہے, کسی کو ماں کا دکھ ہے, کسی کو باپ کا دکھ ہے. کوئی ماں باپ اپنی اولاد کا رونا روتے ہیں کہ ہمارا دھیان نہیں رکھتا. کوئی بھائی یہ کہتا ہے میرا بڑا بھائی میرے مال باپ کی ملکت کھا گیا. اس طرح سے ہم دنیا کے اندر بھی اپنی اپنی رشتہ داریوں کے اندر بھی دکھی ہیں, لیکن کبھی آپ نے صبر کیا جیسے حسن دمشقی نے صبر کیا؟ کہتا میں وہ گھر کی شیرنی کے سب دکھ برداشت کرتا ہوں, تو آپ دیکھو کہ یہ شیر میرا غلام بنا ہے, تو کرامتیں ملیں گی. دنیا کے اندر بگاڑو مت, دنیا کے دکھوں کو دیندارو برداشت کرو, دنیا کو دکھوں کو ہنس کے اٹھا لو. ناراض مت ہو, غم نہ کرو, دکھی مت بنو, اپنے دل میں شکایتیں مت کرو. کس کو سناتے ہو شکایت کر کے کہ جس کو سب کچھ معلوم ہے اس کو کہہ رہے ہو میرے کو یہ دکھ ہوتا ہے, اس کو کہہ رہے ہو کہ جس کو سب کچھ معلوم ہے؟ مت کہو. اگر آپ کو روحانیت چاہیے, میں آج روحانیت سکھانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں, آپ کو روحانیت چاہیے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں روحانی قوت پیدا ہوئے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بیت الخیال کی عبادت میں ایروپلین کی طرح مسافری ملے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ مانگو تو مل جائے, وہ کہو جو مل جائے, آپ یہ سب کچھ چاہتے ہیں کہ مولا آپ کے نزدیک آ جائے اور آپ اس کے نزدیک چلے جاؤ, تو دنیا کے دکھوں کو خوشی سے برداشت کرو. یہ روحانیت کا تیسرا لیسن ہے. پہلا بیعت کرنا, دوسرا اپنے من کو دنیا سے اٹھانا, تیسرا یہ کہ دنیا کے اندر رشتہ داریوں میں یا دوستوں برادروں میں یا پڑوسیوں سے یا کسی سے کبھی کچھ دکھ لگا ہے اس کو خوشی سے اٹھا لو, خوشی سے. اور اگر کسی نے برا کر دیا, بدی کر دی, تو
بددعا مت کرنا کبھی مت، بلکہ اس کے ساتھ نیک سلوک کرو. اے سوگار چاچی ویرا کروھنا کری گالیاں دے دے تو پھر صدر دین کی یہ کہوت ہے، برداشت کر لو. سانچی مین اٹھا لینا، سہن کر لینا، کروز مت کرنا، اس کو بد دعا نہ دینا، بدلہ مت لینا. اور اگر اس نے اوگن کیا ہے، کچھ بدی کیا ہے، تو تم اس کے ساتھ نیکی کر. مولانا حسن علیہ السلام، پیر حضرت حسن معاویہ کا زمانہ تھا. معاویہ نے ایک آدمی بھیجا، اکثر جاہل آدمی، اونٹوں کو تیل کی مالش کرنے والا تھا وہ آدمی، بڑا روڈ تھا. کہتا دیکھ، جاؤ حسن کے پاس، جب وہ شہر میں کہیں نکلیں تو جہاں بھی جائیں ان کی خوب بے عزتی کرو، میں تمہاری تھیلی سونے سے بھر دوں گا. آیا. ایک بڑی کم نصیبی ہمارے اسلامک ہسٹری میں یہ رہی، رسول اللہ کے زمانے سے یہ بات ہمیں مسلمانوں کی تاریخ میں سے ملتی ہے کہ دنیا بھر میں ہزاروں سال کی ہسٹری جو ہمارے پاس جمع ہے، ساری انسانی ہسٹری کو ایک جگہ جمع کرو اور ساری دنیا میں گئے 10-20 ہزار برس میں جتنے غدار نکلے ہیں، پیسے کے لالچ والے نکلے ہیں، اس میں سے آدھے سے زیادہ صرف 1400 برس میں مسلمانوں میں ہوئے ہیں. یہ آیا ادھر پیسے کے لالچ کی وجہ سے. بائی چانس مولانا حسن، امام حسن علیہ السلام اس کو سامنے ملے، اس نے خوب گالیاں دی، بہت سی گالیاں دی. مولانا حسن ہنستے رہے، کچھ لوگوں کو تیش آ گیا تو مارنے دوڑے، تو امام حسن نے منع کیا. جب وہ بول کے تھک گیا تو آپ کہنے لگے، تم لگتے ہو کوئی باہر سے مہمان ہو، آؤ میرے گھر چلو، میری مہمانی قبول کرو. عربوں کی ایک خصلت ضرور ہے کہ کبھی دشمن بھی آ کے کہے میرے گھر چل کے روٹی کھاؤ تو منع نہیں کرے. جیسے ہی حضرت پیر حسن نے ان کو کہا کہ تم مہمان لگتے ہو، مسافر لگتے ہو، چلو میرے گھر چل کے روٹی کھاؤ، تو ہکا بکا جیسے گولی لگی ہوئے اس کے سینے میں بے دم ہو گیا، آخر مولا کے قدموں میں گر گیا. بہت رویا، کہتا یا ابن رسول، مجھ کو اپنے نانا کی خاطر بخش دو، معاف کر دو. اس کو اٹھایا کندھوں سے، ہاتھ پکڑ کے گھر لے کے آئے، اس کو کھلایا پلایا اور اس کا سینہ بھر دیا. اس
جس چیز کی چاہت تھی اس کو مال کی چاہت تھی مال سے بھر دیا. یہ ہے ہمارے مذہب کی شان. روحانیت کے لیے پہلے اپنے آپ کو تیار کرو, دل کو نرم کرو, زبان کو نرم کرو, آنکھوں کو پاک بناؤ, خیالات کو پاک بناؤ, بدیوں برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرو, امام زمان کے فرمان پہ عمل کرو, اپنے دل میں مولا کے عشق کو پیدا کرنے کے لیے تیار کرو اور دنیا کی محبت سے دل کو خالی کر دو. انشاءاللہ اس کے اندر وہ درخت پیدا ہوگا کہ جو درخت نور تجلی پیدا کرے گا. مولانا حضرت امام آپ کی نیک امید پوری کرے, ایمان کی سلامتی دے دے, ہر بدی برائی گناہ سے بچاوے. مولا حضرت امام اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے, فرمان بردار مومن بنائے, حقیقتی سمجھ دے دے, دشمن سکریت میں پورا رکھے, قلب کی ہوا سے بچا کے رکھے, شیطان کے تسلط سے دور رکھے. مولانا حضرت امام دین و دنیا میں سکھی آباد کرے, دین و دنیا کی تمام نیکیاں اور سکھ عنایت کرے. مولانا حضرت امام آپ کو ہر نیک امید میں برکت دے دے, کامیاب کرے, جہر باطن دیدار عنایت کرے.